देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। सलमान खान की बेल पर फैसला कल आने वाला है, ये तो चीज़ आपने सुनी होगी। लेकिन आई थिंक एक अपडेट जो आ रही है वो थोड़ी सी बुरी आ रही है। चलिए मैं सीधा अपडेट पर लिए चलता हूँ ताकि आपको कुछ कंफ्यूज ना करूँ। कोमल नाहटा ने हाल ही में अपडेट किया है कुछ मिनटों पहले, जहाँ पर कोमल नाहटा जो कि बॉलीवुड के बहुत ही बड़े क्रिटिक्स में से एक हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कल बेल शायद ना मिले, क्योंकि कल बेल की जो दलीलें हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। देखिए, सलमान खान बेल ऑर्डर मे नॉट बी डिलीवर टुमारो, शायद कल ना डिलीवर, यानी कि हो भी सकता है ना भी हो सकता है, फिलहाल 50-50 इनका कहना है। लेकिन रीज़न क्या दिया है वो जानने की कोशिश करते हैं। मे नॉट बी डिलीवर टुमारो एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हियरिंग हिज बेल प्ली, क्योंकि कल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, वो जो जज है वो इनकी बेल प्ली को सुनवाई करेंगे। यानी कि डिस्ट्रिक्ट यानी जहाँ पे फैसला सुनाया गया है 5 साल का, सेशन कोर्ट जहाँ पे अपील की जाएगी बेल के लिए, है ना। तो कल डिस्ट्रिक्ट और सेशन का कोर्ट सुन के उनकी जो बेल प्ली है वापस से सुनेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई है या जो भी है, दलीलें सुनी जाएंगी सेशन कोर्ट में, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन का जज साथ में सुनेंगे, ये ऐसा कुछ कहना है कोमल नाहटा का। और उसके हिसाब से आगे क्या है वो बताता हूँ। बेल प्ली, रविंद्र कुमार जोशी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड वीडी ऑर्डर ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर नंबर, आई थिंक डेटेड 6-0 ही, टोटल 87 रूटीन ट्रांसफर्स डन। ये थोड़ा सा लीगल टर्म है, मुझे इतना तो पता ही नहीं चल रहा, लेकिन इतना साफ पता चल रहा है इनके 2-3 लाइन से कोमल नाहटा के कि कल जो फैसला आना है वो थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि कल दलीलें जो है वो कंटिन्यू रहेगी और सुनी जाएंगी, और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जज दोनों ही सुनेंगे। तो ये थोड़ा सा आई थिंक, जो मुझे सुबह ही हल्का सा लग रहा था, आई थिंक हो सकता है ये चांसेस कि कल भी बेल ना मिले, क्योंकि बेल की जो सुनवाई, जैसे आज दलील दी गई, आज भी मतलब सलमान खान के वकीलों ने सलमान खान का जो पक्ष रखा है कि भाई बेल मिलनी चाहिए और सज़ा कम होनी चाहिए, सेम कल भी वो जो दलीलें हैं वो चालू रहेंगी, इसलिए टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट जज साथ में वो दलीलें सुनेंगे। तो ये एक अब जो केस है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है सलमान खान को, शायद उन्हें और जेल में शायद एक दिन रहना पड़े, जो भी हो, लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि कल ही वो छूट कर आ जाए। देखते हैं क्या होता है इस केस में, क्योंकि कोमल नाहटा ने दिल की धड़कनें अब और बढ़ा दी है। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय बाय।